शरबत की देखकर उस पर कोई असर नहीं होता, उसे केवल एक बात की चिंता रहती है कि शाम की शराब का इंतजाम किस तरह होगा। घर के बर्तन भांडे बिकने लगे हैं, पत्नी का मंगलसूत्र गांव के सुनार के पास गिरवी रखा पड़ा है, घर की परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, नाते रिश्तेदार कलमी काट कर निकलते हैं। पूरा गांव कहता है कि भगवान ऐसी नीच औलाद किसी को ना दे, न लाज है न शर्म है न नेम है न धर्म है, इसे केवल अपने आप से मतलब है, इसे सिर्फ अपनी शराब से मतलब है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में। यह था पहला, न नेम है न धर्म है, इसे केवल अपने आप से मतलब है, इसे सिर्फ अपनी शराब से मतलब है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में। यह था पहला। अब आप दूसरा चित्र देखिए। एक 16-17 साल का लड़का एक रात घर वालों से नाराज होकर घर से बाहर निकल जाता है। दुर्भाग्य से उसकी दोस्ती नशा करने वाले लोगों के साथ होती है और उस रात उन लोगों के साथ शराब पीना सीख लेता है। कहने की जरूरत नहीं, एक गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो इस बात को समझता है। उसकी सुबह शर्मिंदगी से शुरू होती है और दोपहर में वो दोस्तों को कोसता है जिनके साथ उसने शराब पीनी सीखी। उसकी सुबह शराब छोड़ देने के संकल्प से भी शुरू होती है, लेकिन दोपहर तक उसका दिल डूबने लगता है और शाम होते होते उसका शरीर उसका मस्तिष्क उस संकल्प को मानने से मना कर देता है। उसे हर जगह जलील होना पड़ता है, उसके मन में अवसाद भर जाता है, उसे ये बेइज्जती बेचैनी का एहसास करवाती है और वो एक ही सहारा खोजता है, शराब। उसे लगता है कि शराबियों से और शराब के अलावा उसका कोई साथी नहीं। ये था दूसरा चित्र। दरअसल ये दोनों चित्र एक ही व्यक्ति के चरित्र के हैं। इन दोनों चित्रों में अंतर केवल इतना है कि ये दो नजरियों से बने हुए। पहला नजरिया ये कहता है कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि दूसरा नजरिया कहता है कि यह व्यक्ति बुरा नहीं है, इसे नशे की बुराई ने जकड़ रखा है और यह चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा। हम लोग हमेशा से ये बात मानते आए हैं कि नशा पसंद का मामला है, मैटर ऑफ चॉइस है, और आदमी जब चाहे तब नशे को छोड़ सकता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। शुरुआत में नशा जरूर पसंद का मामला होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उसके बाद नशा चाहे कोई सा भी हो, शराब का, कोकेन का, स्मेक का, हेरोइन का, निकोटिन का, मेथैम्फेटामिन का, किसी भी तरह का नशा हो, इंसान के मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन करने शुरू कर देता है और उसे धीरे धीरे अपना गुलाम बना लेता है। और एक बार ऐसा हो जाने के बाद नशा मन चाहे किया नहीं जाता, अनचाहे करना पड़ता है, ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है। समझने की बात यह है कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तब आप उसे जलील करके, उसे कोस करके, उसकी लानत मलामत करके उसे ठीक नहीं कर सकते। ये तरीका सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत में फैलने लगा था तो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने एक प्रिय आदमी के संदेश प्रसारित किया था। हम लोगों ने हर फोन कॉल से पहले उस संदेश को सुना। हमने हजार बार ये बात सुनी कि याद रखिए, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये बात सिर्फ COVID-19 पर लागू नहीं होती है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो नशे की बीमारी का नाम है उस पर भी लागू होती है। नशा इंसान को कितना गिरा देता है ये चित्र हमें दिखाते रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज की जो नई नस्ल है, हमारी नई नस्ल की जो नई कौंपलें हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो इस बात को समझ सके कि नशा नाश का द्वार है। लेकिन जो लोग गलती से गिर चुके हैं उन्हें उठाने का काम किसका है? मेरा है, हमारा है, समाज का। नशा करने वाले लोग अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब आप होश में हो तब सोचे कि इस चीज ने आपका कितना नुकसान किया। भले आपको मौत ना आई हो लेकिन आपने जीवन भी तो नहीं दिया, आपकी सारी जिंदगी शर्मिंदगी में कट गई, आपका पूरा जीवन अलगाव में बीत गया, आप परिवार क्या है ये नहीं जान पाए, आप प्रेम से वंचित रह गए, आप प्रतिष्ठा से वंचित रह गए। शाहब जाफरी साहब का शेर है कि चले तो पांव के नीचे चल गई कोई शय, कोई शय के माने कोई चीज, चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है, आपकी पूरी दुनिया।
हुई जा चुकी है। आपका आपकी जितनी भी अच्छाइयां हैं सारी से एक बुरी चीज के नीचे दबकर रह गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संकल्प लें, नरा त्याग लें, लेकिन केवल संकल्प से काम नहीं चलेगा। आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है इसलिए आपके संकल्प के सफल होने की संभावनाएं सीमित है। इसलिए आप संकल्प के साथ सहयोग लें, सहायता लें। इस बीमारी से लड़ने के तरीके मौजूद हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, आप मेडिकल असिस्टेंस लें और अपनी खोई हुई जिंदगी वापस हासिल करें। कुल मिलाकर मेरे वक्तव्य का सार यह है कि जो लोग नशे को अपनी नियति मानकर हताश होकर बैठ चुके हैं, समाज उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाए और उनको उठकर खड़ा होने में मदद करे, और जो लोग नशे के शिकार हैं वो इस बढ़े हुए हाथ को पहचाने, इसे पकड़ने की हिम्मत करे और फिर से समाज के साथ चलने की कोशिश करे। विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता है कि हताशा से एक आदमी बैठ गया, उस आदमी को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ, मुझे वो नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जा रहा था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते। जी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।